रिश्ते, ये रिश्ते जो हैं ये हम सभी के पास होते हैं, चाहे दोस्ती का हो चाहे इधर खून का हो। लेकिन रिश्तों के अंदर सबसे कमाल की बात होती है प्यार। अगर किसी रिश्ते में प्यार ही ना हो तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं। लेकिन कभी कभी ये प्यार इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि कोई शख्स मरने के बाद में भी हमसे जुदा नहीं होना चाहता। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि आप उस शख्स को वहां से रवाना करवाने की जुर्रत करते हैं तो वो आपका ही नुकसान करता है। वो जाना नहीं चाहता, वो आया भी अपनी मर्जी से है, वो जाएगा भी अपनी मर्जी से ही। ये रिश्ते कभी कभी इतने घातक साबित हो जाते हैं कि इसके चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। या तो उनके रास्ते में मत आओ, और अगर आए तो सिर्फ अपने काम से काम रखो। तो आज की जो कहानी है ये भी काफी अजीब है। इधर जो है प्रीतम के साथ में हुआ, जहां पर प्रीतम, जिसे कुछ नहीं पता था कि आखिर वो साया उससे क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, लेकिन एक साया उसके पीछे पड़ गया और उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। लाख कोशिशें करवा ली गई, लेकिन जो भी इधर प्रीतम और उस साये के बीच में आया वो सिर्फ मौत के घाट ही उतरा। तो पूरी की पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2007। 2007 में प्रीतम और उसकी फैमिली इधर मूव इन करते हैं एक नए घर के अंदर। इधर प्रीतम के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। प्रीतम यहां पर सिर्फ एक 6 साल का बच्चा है, सिर्फ 6 साल का बच्चा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ यहां क्या होने वाला है। इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत तो हुई 2007 में और अंत हुआ 2022 में। अब लगा लीजिए आप कितना वक्त यहां पे लगा। 15 साल तक वो साया जो था वो प्रीतम के साथ रहा और उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। प्रीतम यहां पर नए घर के अंदर मूव इन करता है और उसकी मां सलोनी और उसके फादर, ये 3 लोग थे, महज 3 लोग एक नए घर के अंदर आते हैं। पुराने घर को छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस घर के अंदर कुछ भी इन्हें ठीक नहीं लगता था। इन्हें लगता था कि उस घर के अंदर यदि ये लोग रहेंगे तो एक शख्स जिसकी यहां पर मौत हो चुकी है वो हमेशा इनको याद आता रहेगा। उसकी यादों से दूर भागने के लिए किसी ने इन्हें ये सलाह दी कि आप एक नया घर ले लीजिए और उधर चले जाइए। अगर ऐसे लोग यादों से मूव ऑन कर पाते तो शायद सभी कर लेते। प्रीतम और उसकी फैमिली वहां चले गए। प्रीतम ने पहले तो ना नुकुर करी, 6 साल का बच्चा आखिर कितना ही मना कर लेगा। तो यहां पर ये लोग इधर आ गए। इधर आने के बाद में सब कुछ उस घर के अंदर एकदम ठीक चल रहा था। वो घर इन्होंने महंगा उठाया था क्योंकि वो घर जो था वो एक ऐसी जगह पे था जहां पर काफी सारे बच्चे थे, आस पड़ोस में काफी बच्चे थे। प्रीतम के पेरेंट्स ने यही सोचा था कि यदि हम कोई ऐसा घर लेंगे जिसके आसपास काफी बच्चे होंगे तो प्रीतम कभी लोनली फील नहीं करेगा, क्योंकि ओनली चाइल्ड था उनका, तो वो कोई भी इधर रिस्क उठा नहीं सकते थे। इसलिए एक ऐसी जगह पर उन्होंने घर लिया जो एक पॉश कॉलोनी हो और साथ ही में वहां पर क्राउड अच्छा भी हो और ज्यादा भी हो। प्रीतम वहां पर गया। शुरुआत के 1-2 दिन तक तो कुछ भी उधर अजीब नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस घर के अंदर पूजा पाठ करवाई गई, पंडित जी आए, एक एक कोना उन्होंने उस घर का शुद्ध किया गंगा जल से और उन लोगों को ब्लेसिंग भी दी और ये भी कहा कि इस घर के नक्षत्र बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत इस घर में नहीं है, आप लोग इस घर में रह के धनी हो जाएंगे, आप
बहुत इधर जो है तरक्की करेंगे और ये बातें वो बातें फलाना ढिमकाना जो इधर आमतौर पर होती ही है। लेकिन वक्त तो कुछ और ही बयां करने वाला था, इसका अंदाजा नहीं था उन्हें। इस घर में आए, सारा सामान उन्होंने इधर सेट किया, प्रीतम के कमरे को बहुत सजाया धजाया कि कभी भी प्रीतम को इधर ऐसा फील ना हो कि उसकी कोई केयर नहीं कर रहा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। प्रीतम ने शुरुआत में दोस्त बनाए, सब कुछ ठीक चला, उनके घर आता था, खुद भी उनको इनवाइट करता था। दो चार दिन तक मामला एकदम बढ़िया था, लेकिन दो चार दिन के बाद में पूरी नैया पलट गई। प्रीतम के ऊपर न जाने कौन सा भूत सवार हुआ, अब वो अकेले ही अपनी कंपनी एंजॉय करता था। ये चीज उसके पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चा जो अगर इतनी ही यंग एज के अंदर इस तरीके से बिहेव करे तो शायद उसकी जिंदगी काफी रफ हो जाए। उन्होंने उसे बहुत फोर्स किया कि तुझे बाहर जाके खेलना चाहिए, तेरे दोस्त तेरा इंतजार करते हैं, देख बाहर बच्चों के इधर पकड़म पकड़ाई खो खो खेलने की आवाज आ रही है, तू जा और खेल। प्रीतम साफ मना कर देता, अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता। और कमाल की बात इधर पता है क्या है, वो कभी दुखी नहीं रहता। या तो बच्चे को कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो जिसके चलते वो ऐसे काम कर रहा हो, नहीं, वो बिल्कुल खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। वो ऐसे खुश होता था मानो एक साथ ही उसके साथ 24 घंटे रहता हो। प्रीतम इधर उसी कमरे में बैठता, खाता पीता सोता पढ़ता, अगले दिन स्कूल जाता, स्कूल जाके वापस आता तो बैग एक कोने में फेंक कर दोबारा वहां बैठ जाता। पूरा दिन लड़का ऐसे ही बिता देता। ये चीज सलोनी को गवारा नहीं थी, तो उनकी एक दोस्त थी जो इधर चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट थी, तो उससे उन्होंने कंसल्ट किया। पहले तो उसने कहा कि बच्चे जो हैं इस तरीके से बिहेव करते हैं और जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो ऐसा कुछ वो करते हैं, और तुम्हारा जो पास्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा, बेसिकली तुम्हारे पुराने घर के अंदर एक डेथ भी हो गई थी और वो चीज़ शायद से बच्चे के जहन के अंदर हो, तो तुम्हें जो है इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, सलोनी ने ये बात भी मान ली कि ये जो चीज़ है आखिर जो उनकी दोस्त कह रही है इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन बात जो थी वो यहां तक सीमित रहने ही नहीं वाली थी। अब प्रीतम दिन प्रतिदिन और ज्यादा अजीबोगरीब बिहेव करने लग गया था। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि वो यहां पर लगभग पागलों जैसा बिहेव करने लग गया था। बच्चों के तौर पे देखा जाए तो वो पागलों जैसा बिहेव नहीं, इमेजिनरी फ्रेंड्स बच्चे बनाते हैं, लेकिन उसकी हालत कुछ अजीब ही थी। वो अपने कमरे में बैठ के तालियां पीटता, बहुत खुश होता, न जाने क्या हो गया, और बैठे बैठे किसी की बात को सुनता। जैसे हम लोग गौर से किसी की बात को सुनेंगे तो कैसे गर्दन हिलाएंगे या ओके इस तरीके से करेंगे, वो भी ऐसे करता, हाँ, अच्छा, इस तरीके से करता, और अचानक हंस पड़ता, पेट पकड़ पकड़ के हंसता, जैसे किसी ने उसको कोई जोक सुनाया हो। ये क्या, आखिर ऐसे कौन करता है, ये सलोनी को समझ नहीं आ रहा था। सलोनी वापस अपने दोस्त के पास जाती है और उन्हें ये सारी बात बताती है। वो कहती है, ठीक है, मैं एक बार आकर के उस लड़के को देख लेती हूँ और बात कर लेती हूँ। वो आई और उन्होंने इधर बात भी करी, लेकिन बस यही बोला कि ये जो चीज़ है ये इसके जहन में है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे ऐसे बिहेव करते ही रहते हैं, और थोड़ा रुक जाओ, 6-7 महीने रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी नए घर में आया है तो बच्चों की अपनी ही फैंटेसीज होती है, अपनी ही दुनिया होती है जो हमारी दुनिया से अलग है, थोड़ा रुक जाओ, वो अपने आप इस माहौल में अडेप्ट कर लेगा और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। सलोनी को अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि नहीं, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब प्रीतम की हालत ऐसी थी कि जब उसकी माँ उसको आकर के रोकती, ये कहती कि चलो पढ़ाई करनी है, टीवी बंद करो, तो वो नानुकुर करता और सामने से किसी के ऑर्डर का इंतजार करता कि वो हुक्म देगा तो वो उसे बंद करेगा। उसकी माँ लाख बार चिल्ला ले उस पे
उसे कोई फर्क नहीं, वो कहता नहीं मुझे टीवी देखना है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं करूंगा, आप चाहो मैं खाना खा लूंगा। एक कोने में देखता और कहता ठीक है चलो मैं चलने को तैयार हूं। ये क्या चीज थी, ये सलोनी को समझ नहीं आ रहा था। और ये चीजें जो थी ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। कई बार सलोनी ने उससे प्यार से पूछने की कोशिश की, बेटा कोई दिक्कत है तो बता, तुझे स्कूल में कोई परेशानी होती है, क्योंकि स्कूल भी उसका बदल चुका था, क्या पता स्कूल में आते हो कोई प्रॉब्लम या टीचर उसको परेशान करते हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो खुश था, हर वक्त वो लड़का खुश रहता था। सलोनी ने यहां तक ये भी नोटिस किया कि जब वो उस बच्चे को उसके कमरे में सुलाने जाती तो वो सोने का नाम नहीं लेता, वो कहता नहीं मुझे जागना है, मुझे नहीं सोना है, ऐसे ही वैसे लगातार वो चिल्लाता रहता। और वो एक किनारे पर देखता, और एक किनारे पर देख करके जब उसे ऑर्डर मिलता तो वो बस ये बोलता और उसके बाद आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता, और इस तरीके से बिहेव करता जैसे कोई उसके सर को यहाँ पे सहला रहा हो। अब कोई किसी के अगर सर को सहलाएगा तो इंसान के चेहरे पे एक अलग ही खुशी आएगी, वो खुशी उसके चेहरे पर होती। और इसी के साथ साथ वो ये भी कहता जरा बालों में हाथ आराम से डालो। ये चीज जो थी ये जब सलोनी ने देखी तो उन्हें ये लगा कि जरूर इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, या तो इस घर में कोई प्रॉब्लम है या इस लड़के के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। खाना यदि वो लेकर के जाती उसके पास में तो वो कभी भी बाहर बैठ के खाना नहीं खाता, अपने कमरे में जाता वहां जाकर फटाफट खाना खा लेता। पढ़ाई में भी अच्छा था, हेल्थ भी अच्छी चल रही थी, ये नहीं कि लड़का पतला हो रहा हो, नहीं, कोई काला जादू होता तो ऐसा लगता कि बहुत पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं करता था, बस एक इमेजिनरी फ्रेंड था उसका जो किसी और को नहीं दिखता था। सलोनी को लगता था कि पक्का कोई काला जादू है और इस लड़के की एब्सेंस में मुझे यहां पर किसी को बुलाना होगा, और वो जो है वो आकर के यहां पर ताक छाक करेगा और तब पता चलेगा कि असली मामला है क्या। अगले दिन प्रीतम स्कूल गया, हस्बैंड भी ऑफिस में थे, तो इधर सलोनी ने अपनी चाल चली। सलोनी ने एक पंडित को बुलाया और उसको कहा पंडित जी देखिए इस कमरे के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। पंडित ने कोना छान मारा, एक एक कोना छान मारा, उसे कोई दिक्कत नहीं लगी। कमरे में पड़ी एक एक चीज को छू करके टटोला कि कहीं इसके अंदर कोई काला जादू तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार इस तरीके की हरकतें करी कि जिससे जो है यहां पर वो आत्मा प्रोवोक हो, वो इधर हमला करने की कोशिश करे, जैसे कि उधर उन्होंने स्वास्तिक बना दिया, जमीन पे स्वास्तिक बना दिया, सामने ओम बना दिया, और इसी के साथ साथ इधर शिवजी भगवान को भी याद किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, 2 घंटे लगाए, पूरे 2 घंटे उनके हाथ में सफलता आई ही नहीं। उन्होंने कहा देवी जी यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए घर के दूसरे कमरे दिखाइए और घर की छत दिखाइए, मुझे लगता है कि शायद से उधर कोई दिक्कत हो। एक एक कोना फिर छान मारा, कोई दिक्कत नहीं, छत पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं। पंडित ने कहा देखिए यदि इसके ऊपर कोई बुरा साया होता तो अब तक मुझे पता चल गया होता, इसके ऊपर कोई काला जादू होता तो मुझे पता चल गया होता, लेकिन मुझे बस यही लग रहा है कि आप खामखा घबरा रही हैं, फिर भी यदि आप कुछ चाहती हैं तो थोड़ी पूजा करवा लीजिए मन की तसल्ली के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि सफलता हाथ नहीं आएगी। लड़का बिल्कुल ठीक है, सब कुछ तो ठीक था, तो प्रॉब्लम आखिर आ कहां रही थी। अब सलोनी को पूरी तसल्ली हो चुकी थी कि ये सिर्फ मन का वहम ही है और इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि उनके साथ में कुछ अजीब नहीं हुआ, हस्बैंड के साथ में कुछ अजीब नहीं हुआ, लड़के का कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी। पंडित ने सारे तिगड़म बिठा लिए और सब कुछ बताया कि काले जादू के सिम्टम क्या होते हैं, या कोई आत्मा अगर किसी को पोजेस करे तो क्या सिम्टम होते हैं। ये जरूर लग रहा था कि उनके लड़के के ऊपर हद से हद ये हो सकता है,
कि किसी आत्मा का कब्जा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो सिम्टम्स और एग्रेसिव होते। वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे जिसके ऊपर ये कहना मुश्किल था कि ये एक पोजेशन है भी या नहीं। अगर ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ते तो इसके ऊपर बात की जाती। सलोनी समझ चुकी थी कि दाल में कुछ भी काला नहीं है, प्रॉब्लम कहीं पर है नहीं, ये मेरे मन का ही वहम है। लेकिन ये वहम बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला था, क्योंकि अब वो उस आफत को अपनी आंखों से देखती। अगले दिन संडे था, हस्बैंड इधर बेसिकली अपने दोस्त के साथ हैंग आउट करने दोपहर में ही चले गए। प्रीतम अकेला था घर पे, तो प्रीतम जो था वो नहाने चला गया, कुछ 12-1 बजे दोपहर की बात होगी। प्रीतम नहाने गया, सलोनी यहाँ पर टीवी देख रही थी, और कुछ 15 मिनट के बाद में प्रीतम के अंदर से हंसने की आवाज आती है, जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। और प्रीतम कहता है, अरे मत करो ना, मत करो, अरे अरे उधर उधर गुदगुदी होती है, इस तरीके से वो बोल रहा था। सलोनी समझ चुकी थी कि ये अपने में ही मस्त है, छोड़ो कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। 15 मिनट के बाद सलोनी इधर बाथरूम का गेट खटखटाती है और कहती है, प्रीतम बेटा बाहर आओ, चलो अब कपड़े भी तो पहनने हैं, तुम नहा तो लियो, तुम्हारे बदन को पोंछ देती हूँ, फिर अपने कपड़े पहन लेना, उसके बाद जो मस्ती करनी हो बेटा कर लेना। प्रीतम कहता है, हाँ बस 2 मिनट। 2 मिनट बाद वो इधर गेट को खोलता है और फिर वो बाहर आता है। इधर सलोनी बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है कि गीले पैर जो इधर प्रीतम के थे, उसके पीछे पीछे किसी और शख्स के भी 2 गीले पैर उसको फॉलो कर रहे थे। ये चीज सलोनी ने खुद देखी थी। पंडित ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, साइकाइट्रिस्ट ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 पैर जो थे ये अपने आप आ रहे थे, ये किसके थे? और ये चलते चलते अचानक से प्रीतम के कमरे में गए और वो सूखते चले गए। जैसे हम लोग कभी भी ना करके आते हैं तो गीले पैरों से फर्श पे चलते हैं तो फर्श जो होता है वो सूख जाता है, वही हुआ। उसके बाद प्रीतम ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, सलोनी ने गेट खटखटाया और एक एक कोना छान मारा और कहा, प्रीतम बेटा सच सच बताओ, यहां पे क्या चल रहा है, कौन है तुम्हारे साथ में, ये मेरे मन का वहम नहीं है, मुझे सच सच बताओ। प्रीतम कहता है, मम्मी कुछ भी तो नहीं है, आप इतना क्यों घबरा रही हो, किस चीज से डर है आपको, कोई नहीं है यहां पे, आप जाओ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सलोनी कहती है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर निकलती है, उन्हें सुनाई देता है कि प्रीतम किसी से कह रहा है, आज तो बाल बाल बच गए, अगली बार से खासा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सलोनी ने अपने कानों से सुना। उस दिन सलोनी यही सोच रही थी और उन्होंने इंटरनेट पर एक बहुत ही वाहियात चीज सर्च कर डाली कि आत्मा से इजीली कम्युनिकेट कैसे करते हैं। वहां पे उन्हें बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली कि यदि आप आंखों पर पट्टी बांध लें, इसी के साथ में उस बच्चे के साथ में जो है यदि आप खेलें, तो जो आत्मा है वो आपसे शायद से कम्युनिकेट कर सकती है। सिर्फ 1% चांस है, बाकी 99% तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये किसी ने अपनी राय दी थी बेसिकली इंटरनेट पर। पहले तो सलोनी ने सोचा था कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए या कहीं और जाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा शुरुआत यहीं से करते हैं। 2 घंटे बाद वो अपने कमरे में जाती हैं और प्रीतम को कहती हैं, प्रीतम आज खेलते हैं बेटा, बोलो कोई खास काम तो नहीं, क्या इरादा है, खेले या नहीं? प्रीतम बहुत खुश। और बहुत और चीज़ ये थी कि प्रीतम उनके कमरे में आता नहीं था, वो अपने कमरे में ही रहता था, और अगर हॉल वगैरह में आया भी तो टीवी देखने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी अपने कमरे में। आज उनके कमरे में बैठा था कूलर के सामने। उन्होंने कहा ठीक है। इधर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और प्रीतम के साथ में खेलने लगी, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। इंतजार उन्हें इसी चीज का था कि कोई आकर के उनके कान में कुछ बोलेगा, और ये बात सच साबित हुई। जो
शायद एक मजाक था जो इंटरनेट पर किसी ने अपनी राय दी थी और उसे वो सिर्फ एक मजाक समझ रही थी, वो चीज सच हुई। उस शख्स ने उनके कान में ये कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे साथ हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसकी चिंता करना छोड़ दो, इसकी चिंता व्यर्थ है। मेरे होते हुए इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसी के साथ में उन्हें किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो औरत हंस रही थी, आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी थी, लेकिन किसकी थी ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पट्टी निकाली और आसपास इधर देखा तो प्रीतम नहीं था। वो यही सोच रही थी कि आवाज कहां से आई। घर फिर से छान मारा, कोई नहीं था। ऊपर वो जब प्रीतम के कमरे में गई, वहां जाकर के जो उन्होंने देखा वो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रीतम तो वहां सो रहा था बहुत गहरी नींद में। वो आती है और कहती है, प्रीतम तुम तो नीचे मेरे साथ खेल रहे थे ना। प्रीतम ने कहा, मम्मी आप कैसी बात कर रही हो, आप ही ने तो 2 घंटे पहले मुझे सुलाया था। ये बात सलोनी को याद आती है कि जब ये इंसिडेंट बाथरूम वाला हुआ था तो उन्होंने इधर प्रीतम को ऊपर जाकर सुला दिया था, लेकिन इस चीज को सोचते सोचते ही शायद वो इसके बारे में भूल गई। और जब उन्होंने अपने कमरे में उस शख्स को देखा तो वो प्रीतम नहीं था, क्योंकि प्रीतम तो ऊपर सो रहा था, ये उन्हें याद आया। अब जो उनके साथ ये चीज हुई थी इससे उन्हें कन्फर्म हो चुका था कि कोई आत्मा ऐसी है इस घर के अंदर जो हमारा तो बुरा नहीं चाहती, ना ही प्रीतम का चाहती, लेकिन वो प्रीतम के साथ जुड़ी हुई है। मगर कैसे, ये मुमकिन कैसे है, कोई भूल चूक नहीं हुई थी उनसे, आखिर वो आत्मा यहां आई कैसे है? सलोनी किसी से मदद भी नहीं मांगना चाहती थी और अपने हस्बैंड को भी दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हस्बैंड वैसे ही उनके बाहर रहते थे, काम का इतना प्रेशर था। ऊपर से अगर ये बात वो बोल दें और ये बोलें कि घर में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस उनको ऐसा फील होता है कि एक आत्मा है जिसके लिए उन्होंने पंडित से भी बात कर ली, सबसे बात कर ली, लेकिन फिर भी कोई हल निकल कर के नहीं आ रहा, वो आत्मा किसी का बुरा नहीं चाह रही, तो हस्बैंड भी क्या बोलेगा, रहने दो, क्या दिक्कत है। उनके मन में यही बात थी, प्रॉब्लम डिस्कस भी नहीं करी और इधर निष्कर्ष पे वो आ गई। शायद ये उनकी गलती थी, उनको लगता है जो भी है जाने दो, मुझे तो नहीं दिख रही और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक बार वो इधर प्रीतम के कमरे में जाती है, उनके कमरे में एक खिलौना था जिसपे अगर आप चाबी भरें तो वो खिलौना चलना शुरू कर दिया करता था और उसमें से आवाजें आती थी। कई बार देखा होगा आपने मेलों वगैरह में, या फिर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। तो वो खिलौना था, वो खिलौना चल रहा था जबकि प्रीतम जो था वो इधर स्कूल गया हुआ था और कमरे की लाइटें सारी बंद थी। खिलौना अपने आप चल रहा था और जब उसकी चाबी खत्म हुई खिलौना रुक गया। इधर वो जाती है और कहती है, बच्चा भी पता नहीं कहाँ कहाँ इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, और उसके बाद में खिलौने को उठा करके ऊपर रख देती है। अब वो जब लाइट को बंद करती है उन्हें यहाँ पर साफ साफ किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। पतली सी औरत थी, ज़्यादा ऐसी नहीं कि हेल्दी हो, नहीं, पतली सी, एक लड़की समझ लो, औरत भी नहीं लड़की थी, उसकी परछाई उन्हें दिखाई देती है। अचानक से वो लाइट को ऑन करती है, परछाई गायब। लाइट को दोबारा ऑफ करती है, दोबारा वो परछाई, फिर से ऑन करती है, फिर से गायब। तीसरी बार जब वो उस लाइट को बंद करती है वो देखती है वो लड़की उस खिलौने में चाबी भर रही है और वो लगातार इधर सलोनी को ही देख रही है, और देखते हुए उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि परछाई है तो दांत तो नहीं है, ना ही कोई चेहरा है, बस एक परछाई है। वो परछाई इधर सलोनी को देखकर मुस्कुरा रही है
उसके बाद वो खिलौने को छोड़ दिए और खिलौना वापस चलना शुरू। ये जब सलोनी ने देखा तो उनके होश फाकता हो गए। वो भागी अपने कमरे में, दोबारा नीचे आई, कमरे को बंद कर लिया और इधर सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के आने का इंतजार करने लगी। प्रीतम आया, उसे पकड़ के उन्होंने अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा सच क्या है, देख मुझे बता दे, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, तू मुझे बता वो औरत कौन है। प्रीतम के सामने जैसे ही उस औरत का जिक्र हुआ, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, मम्मी कौन औरत? उसने कहा, देख बेटा बातें मत बना, मुझे सच सच बता वो कौन है। प्रीतम ने कहा, मम्मी वो किसी को कुछ नहीं कहेगी, वो किसी का कुछ बुरा भी नहीं चाहती, वो मेरी शुभचिंतक है, मेरा गुड लक चार्म है, उसे यहां पे रहने दो, बस कभी भी उसके काम में बाधा मत डालना, उसे कभी परेशान मत करना। इतना वो बोलता है, बोलकर वापस चला जाता है। अब ये जो बात थी, ये अपने हस्बैंड को तो उन्हें बतानी ही थी, क्योंकि ये बात बहुत बाहर हो चुकी थी उनके दिमाग से। हस्बैंड को बताती है तो हस्बैंड कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन का वहम है और तुम्हें जो है किसी अच्छे डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है। तुम यहाँ पर शुद्धिकरण करवा रही हो, पंडित को बुलवा रही हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर ये सब चीज़ें मुझे भी दिखें तो मैं समझूं कि भाई ये चीज़ें होती भी हैं या फिर इस घर में कोई दिक्कत है, और तुमने ही बताया कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो, रहो आराम से, कुछ होगा तो मैं बैठा हूं ना। वो अपनी वाइफ को इधर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब जो दिक्कत थी वो इधर श्रीकांत के सामने भी आनी शुरू हो चुकी थी। श्रीकांत को ऐसा लगता था कि जब भी वो इधर प्रीतम को बिठा के कुछ बताते कमरा बंद करके, तो कमरा अचानक से खुलता और कोई उस कमरे के अंदर दाखिल होता और फिर कमरा बंद होता, जैसे कोई साया प्रीतम को छोड़ना ही ना चाहता हो। ये तो उन्होंने अपनी आंख से देखा था, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी चीज देखी थी कि जब भी इधर सलोनी कोई ऐसा खाना बना देती जो इधर प्रीतम को पसंद ना होता, तो उसके लिए उसका मन पसंद खाना अपने आप बन जाता, ना तो उधर सलोनी जाती ना इधर किचन में श्रीकांत जाते, खाना अपने आप बन जाता और उसको तो प्रीतम चटकारे लेकर खाता। ये चीजें श्रीकांत ने भी देखी। श्रीकांत अब समझ चुके थे कि घर के अंदर कोई बहुत सीरियस दिक्कत है। श्रीकांत अपनी वाइफ को, सलोनी को ये बातें बताते हैं तो सलोनी कहती है, मुझे तो तुमने पागल करार दे दिया और कहा कि मन का वहम है, अब तुम्हारे साथ में ये चीजें हो रही है तो अब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं। श्रीकांत कहते हैं, देखो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, गलती मेरी थी, मैं मान रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। एक काम हम लोग कर सकते हैं, प्रॉब्लम इस घर में आने के बाद शुरू हुई है तो दिक्कत इस घर की ही है, तुम चिंता मत करो, मुझे 3 से 4 दिन का वक्त दो, मैं घर बदल लूँगा। इधर सलोनी ने कहा कि यदि आप घर बदलेंगे तो वो जो स्पिरिट है कहीं वो हमें परेशान ना करे। श्रीकांत ने कहा, देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन घर हमें बदलना चाहिए। कमाल की बात इधर ये है, घर बदलने पे उस स्पिरिट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि घर बदलना है बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, नया घर लिया और उस घर के अंदर वो मूव इन कर गए। अब इधर थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि ये वाला घर जो उन्होंने बेचा, ये बेहद सस्ते दामों पे बेचा। इसका रीज़न ये था कि सलोनी की एक दोस्त बनी थी, नेबर दोस्त थी, वो इधर आया करती थी और आकर के वो सलोनी से मिलती थी, प्रीतम से भी मिलती थी। सलोनी ने अपने दिल की बात उसको बता दी कि भैया हमारे घर में तो ऐसा ऐसा होता है, ये सब कुछ होता है। उस औरत ने पूरी कॉलोनी में ये बात फैला दी और आसपास के जितने इलाके थे
वहां पर ये अफवाह फैला दी कि ये घर हॉन्टेड है और इस घर को कोई ना खरीदे। कोई उसके घर को खरीदने को राजी नहीं। घर की कीमत यदि 25 लाख की थी तो घर उन्हें मजबूरन यहां पर 10 लाख के नीचे नीचे बेचना पड़ा। जो घर उन्होंने 25 लाख का खरीदा इतना सस्ता बेचना पड़ा। मजबूरी ही ऐसी हो गई थी क्योंकि हर जगह ये ढिंढोरा पिट चुका था कि इधर कुछ भी सही नहीं है। घर भी बेचा, सस्ता बेचा, इधर घाटा भी खाया, 15-20 लाख का घाटा भी हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, चलो नए घर में चलते हैं। नए घर में गए, वहां पे जाके शुद्धिकरण कराया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं, तीन बार कराया। एक पंडित से नहीं, तीन पंडित से करवाया कि भाई अगर तुम में कोई खोट तो दूसरे में ना, दूसरे में कोई खोट तो तीसरे में ना। सब ने आके ये बात बोल दी कि इस घर में कोई दिक्कत नहीं, ये घर बहुत अच्छा है, इस घर में रहिए, सुकून से रहिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब उन्हें लगा चलो मुसीबतें जो हैं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। नए घर में मूव इन होने के बाद में दोबारा से ये हरकतें अपना जोर पकड़ना शुरू कर चुकी थी। श्रीकांत भी देखते, सलोनी भी देखती, इधर बहुत सारे और साइकाइट्रिस्ट को दिखा लिया, सबने कहा लड़का ठीक है, किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उन्होंने ये सोचा फाइनली हम इसको एक अलग कमरा नहीं देंगे, इसको अपने कमरे में रखेंगे, अपने साथ में रखेंगे, और क्या पता शायद तब जाके इसकी जो तबीयत है उसमें कोई सुधार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो अभी भी वैसे ही बिहेव करता जैसे वो पहले करता था। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हस्बैंड का काम भी अच्छा चलता, सलोनी की हेल्थ भी अच्छी, इधर इसी के साथ साथ प्रीतम की हेल्थ भी अच्छी। सलोनी ने इधर कहा देखो मुझे लगता है कि इस बच्चे को हमें थोड़े टाइम के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, क्या पता वहाँ पे जाके कोई सुधार है। श्रीकांत ने कहा ये क्या बकवास का आइडिया है, बोर्डिंग स्कूल जाके बच्चे सुधरते हैं कि बिगड़ते हैं, तुम बोर्डिंग स्कूल इसको भेजोगी उससे लगता है कि ये आफत दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या पता, देखो आइडिया तो बेकार सा है, लेकिन फिर वो बात बताती है कि मैंने इंटरनेट पे जो आइडिया पढ़ा था आँख पे पट्टी बांधने वाला, वो भी बेकार था, लेकिन उससे भी सफलता हाथ लगी, एक बार ये भी कर लेते हैं। 6 महीने, 1 साल भी नहीं, 6 महीने, मैं भी अपने बच्चे से जुदा नहीं रह पाऊंगी, और 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद भले ही हम वापस बुला लेंगे, वहाँ तब तक तो उसको रखो। ये बात उन्होंने प्रीतम के एब्सेंस में करी थी जब प्रीतम अपने स्कूल गया था। प्रीतम आज स्कूल से वापस आता है बेहद गुस्से में, ऐसा कभी वो बिहेव करता ही नहीं था, आज वो एक अलग ही मूड में था, और आकर के अपने माँ बाप को साफ चेतावनी देता है और कहता है मुझे नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना, अगर मुझे भेजोगे ना वो बहुत गुस्सा हो जाएगी, और अगर वो गुस्सा हो गई ना तो आपके लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा, मुझे वहां मत भेजो। सलोनी कहती है कौन है वो, मिलवा मुझे, मुझे क्यों नहीं दिखती, इन्हें क्यों नहीं दिखती, तुझे क्यों दिखती है, क्या बिगाड़ लिया उसने हमारा, तब से तू ये बात बोलता है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्या बिगाड़ा उसने, बुला उसे। प्रीतम कहता है मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। उन्होंने कहा देख बेटा कल तू बोर्डिंग स्कूल जा रहा है, तू चाहे तब भी, तू ना चाहे तब भी, 6 महीने की बात है, वहां रह, इस साल को कंप्लीट कर और फिर वहां से वापस आ जा, बस 6 महीने। प्रीतम कहता है ठीक है मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना है, भेज के दिखाओ। ओपन चैलेंज वो करता है, वो लोग कहते हैं बच्चे की बात है, इसको सीरियसली ना लिया जाए। अगले दिन गाड़ी में बिठाकर बोर्डिंग स्कूल उसको रवाना किया जाता है, और आज प्रीतम रो नहीं रहा था, आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे उसे मालूम हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अपने माँ बाप के साथ अपनी गाड़ी में बैठा तो मालूम चलता है कि गाड़ी का जो इंजन है वो इधर खराब हो चुका है, और आज की डेट के अंदर अंदर वो सही नहीं हो सकता, गाड़ी में दिक्कत थी।
उन्हें लगा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी में दिक्कत है तो कल हम लोग इधर ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे और तब इसे छोड़ देंगे। लेकिन उसी शाम उन्हें खबर मिलती है कि उस बोर्डिंग स्कूल के कई सारे रूम्स के अंदर आग लग चुकी थी और जो उधर का मैनेजमेंट था वो इतना इम्प्रॉपर था कि उनके प्रेजेंस में होने के बावजूद भी ये आग उनसे कंट्रोल नहीं हुई। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, कोई बच्चा या कोई टीचर नहीं मरा, लेकिन आग लगी तो लगी कैसे। और इसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर बच्चों को काफ़ी मारा जाता था, बच्चों को काफ़ी टॉर्चर करते थे और बच्चों ने खुद टीवी पर आकर के ये चीज़ बोली थी कि इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर टीचर्स हैवान हैं। ये जब उन लोगों ने सुना तो वो लोग समझ चुके थे कि हम अपने बच्चे को किसी बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि कभी उन्होंने खुद इधर प्रीतम पे हाथ नहीं उठाया था और कोई अनजान आदमी इधर हाथ उठा दे इसको तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। ये चीज उनके दिमाग में चल रही थी उस बोर्डिंग स्कूल की ही। लेकिन रात में श्रीकांत को याद आता है कि प्रीतम ने कल मुझसे कहा था कि अगर हिम्मत हो तो भेज के दिखाओ। मतलब उसे कैसे पता कि इधर क्या दिक्कत आने वाली है या क्या होने वाला है, उसके साथ में ऐसा कौन सा साया है। श्रीकांत इधर सलोनी को कहते हैं, देखो सलोनी, तुम्हें फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो भी है इससे छुटकारा हम पाकर रहेंगे। मैं राजस्थान में एक पंडित को जानता हूँ, वो यहाँ पर आएंगे, फीस भले ही ज़्यादा हो उनकी, यहाँ आएंगे और इसकी 2 मिनट में छुट्टी कर देंगे। तुम फिकर मत करो, बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगले दिन पंडित जी आते हैं। पंडित जी ने सारे घर का मुआयना किया, घर में कोई दिक्कत नहीं, कमरों में कोई दिक्कत नहीं। इधर वो प्रीतम की तरफ जब देखते हैं तो वो कहते हैं, जो दूसरे पंडित नहीं देख सकते उसे शायद हम देख सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ये शक्ति दे रखी है। आपके लड़के के ऊपर किसी औरत का साया है, वो इसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती। ये लड़का सिर्फ उसी के साथ रहे, यही ये चाहती है। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा कि इसके आगे उन्होंने उस आत्मा से कैसे टैकल किया, कर भी पाया नहीं कर पाए, उस आत्मा की क्या हिस्ट्री थी, वो औरत कौन थी जो अचानक से प्रकट हो गई, कोई उन्होंने काला जादू नहीं किया, किसी गंदे काम में वो इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी क्या हो गया, कहां से वो आ गई, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको कल दूंगा। बाकी आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से वो औरत कौन है, जानना चाहूंगा मैं। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि जब उन इवेंट्स को मैं आपके सामने रखूं तो उसी तमीज से आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही, मिलता हूँ कल आपसे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।